हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है फ्राइड गोभी। ये गोभी बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको बनाने में भी बहुत कम समय लगता है। इसको आप रोटी या चपाती के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही प्लीज बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके लिए हमने एक बड़ी गोभी ली है और गोभी के ऐसे बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। इसके अलावा हमने दो प्याज लिए हैं मीडियम साइज के, उनको रफली चॉप किया है, और गार्लिक लिया है कम से कम 20 से 25 कलियां, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, चॉप्ड हरी धनिया ली है और दो बड़े साइज के टमाटर चॉप्ड करके लिए हैं, 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1 स्पून जीरा और 1 स्पून जीरा एंड धनिया का रोस्ट करके पाउडर लिया है, और गरम मसाला लिया है आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च और नमक, और हमको हींग चाहिए और ऑयल सब्जी बनाने के लिए। अब सबसे पहले हम गोभी को गरम पानी में डालकर 5 मिनट के लिए रखेंगे। इन मसालों को पीस लेंगे और टमाटर को भी पीस लेंगे। पानी बॉयल हो गया है, अब इसमें हम गोभी डालेंगे 2 मिनट के लिए, जिससे इसमें कोई कीड़े उड़े होंगे वो भी बाहर निकल जाएंगे और हमारी गोभी भी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इस गोभी का हम पानी ड्रेन कर देंगे और एक पैन लेंगे, पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम ज्यादा डालेंगे क्योंकि हमको गोभी फ्राई करनी है। इसको हम अच्छे से गरम करेंगे। ये ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हम गोभी को फ्राई करेंगे। इसको खूब अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारी गोभी फ्राई हो गई है, देखिए इसको हम निकाल लेंगे, ऐसे अच्छे से इसका तेल नचोड़ देंगे। किसी हम छलनी में रख देंगे इसको, गोभी को, इससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब इसी तरीके से बची हुई गोभी को भी हम फ्राई कर लेंगे। पैन में ऑयल लेंगे और इसमें हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे, ये हमारा जीरा हो गया है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, हम प्याज को भूनेंगे। हमने ऑयल ज्यादा इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हमारा गोभी में भी बहुत ऑयल है। अब इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, मिर्च पाउडर डालेंगे और साथ ही हम नमक भी डालेंगे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, इसको खूब अच्छे से हम भूनेंगे। ये हमारा टमाटर भून गया है, अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इसमें हम गोभी ऐड करेंगे,
इसको अच्छे से धीरे धीरे मिलाएंगे, बहुत तेजी से नहीं मिलाएंगे नहीं तो फूट जाएगी गोभी। और हम इसके साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिला देंगे और गोभी को हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको ज्यादा देर नहीं पकाना पड़ेगा क्योंकि पहले ही हमने फ्राई की है तो उसी में गोभी पक गई है। हम 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अब देखिए 2 मिनट हो गए हैं, हम अपनी सब्जी को चेक कर लेंगे। इसको हम इसका ये जो डंठल होता है इसको दबा के देखेंगे, ये देखिए टूट जा रहा है, इसका मतलब मेरी सब्जी पक गई है। ये देखिए अब इस पे हम जो धनिया जीरा पाउडर भुना था उसको डाल देंगे। और हरी धनिया डाल देंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे। ये हमारी फ्राइड गोभी तैयार है, इसको हम हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी है।